नमस्कार दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.78% के क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देख सकते हो स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है और पिछले चार दिन से कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा या स्टॉक में तेजी आएगा। तो अगर ऊपर बढ़ेगा कि टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए दोस्तों। नोटिस कर सकते हो रिलायंस इंफ्रा शेयर स्टॉक को एग्जैक्टली यहाँ पर एक ऑप्टर्न में कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक बार बार अपना ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेके क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी कंडीशन के सब देख सकते हो स्टॉक अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को यहां पर ब्रेकआउट किया और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ा और अभी जो है ऊपर क्लोजिंग कर रहा है काफी समय से, राइट। तो संभावना अभी भी पॉजिटिव है, भले आपको यहां पर कैंडल आपको अभी थोड़ा सा जैसे कि हमने शुरू में देखा कि स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक अपना रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, राइट। तो यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर भी बढ़ सकता है। सो दोस्तों यहां पर एक और भी रेजिस्टेंस लेवल फॉलो कर सकते जो कि 247 रुपए का था और एक सपोर्ट लेवल यहां पर भी है। दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें कि हमारे सामने क्या क्या टारगेट रहेगा, ऐसे तो जब स्टॉक यहां पर सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो हमारे सामने टारगेट अलग हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर पहला टारगेट दूसरा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है और तीसरा टारगेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि 387 रुपये पर है और नेक्स्ट टारगेट आपको नजर आ रहा है 420 रुपये में। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों।